हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू द करियर पॉइंट एनटीएससी यूट्यूब चैनल। और आज की मेंटी वॉर में, आपका स्वागत है सबका। सो जल्दी से सब जल्दी से आ जाएं और ज्वाइन कर लें मेंटी वॉर को। द कोड फॉर टुडेज मेंटी इज 7748-7145। दिस इज द कोड फॉर टुडेज मेंटी। जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें आप। हेलो गाइस, तो आज सर धमाका होने वाला है। बिल्कुल सर। तो गाइज, जैसा कि सर ने बता दिया कि आज मेंटी वार होने वाला है और आपको पता भी होगा, तो मेंटी को ज्वाइन करने के लिए आज का कोड है 7748-7145। आप लोग ज्वाइन करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक सेशन को करते रहिए, बिकॉज जितने ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होंगे उतनी अच्छी फाइट होगी, उतना ही आप इंजॉय करोगे और आप उसको सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है गाइज, तो आप जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर करो, लाइक करो। हेलो शिवांश, रफत, कृष्णा, सुमन राव, तो सभी लोग आ गए हैं। स्कूल चल रहा है, ठीक है बेटा, जो आपका मन का, अगर आपकी क्लासेस चल रही है स्कूल की तो आप उसको अटेंड करो, इसको आप बाद में देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रिया मौर्या, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो गाइज, आर यू रेडी फॉर टू डेज मेंटी? तो जल्दी से आप देखो, अभी तक कोई सर नहीं आए हैं, तो आप जल्दी से अपनी टीम डिसाइड कर लो। आप सभी को मैथ्स टीम ही सपोर्ट करना है, तो आपकी टीम कौन सी होगी? मैथ्स। ठीक है, यू ऑल आर फ्रॉम मैथ्स आर्मी, क्योंकि अभी कोई सर नहीं है, तो आपकी कौन सी टीम रहने वाली है आज? मैथ्स आर्मी। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, गलती मत करना, नहीं तो अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा। तो आज मैथ्स आर्मी, इतनी तो चीटिंग बनती है ना। तो जल्दी से गाइस, अपनी टीम को आप डिसाइड कर लो। डिसाइड किया, मैंने डिसाइड कर दिया आप लोगों के लिए, आपकी टीम मैथ्स आर्मी। ठीक है, बिल्कुल ज्योति निगम, असेसर टीम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और सभी लोग अपने टीम समय बताओ जल्दी से। कल्टर सिंह, बिल्कुल, आप केमिस्ट्री टीम में भी हो सकते हो, फिजिक्स टीम में भी हो सकते हो, तभी तो मजा आएगा, नहीं तो वन साइडेड गेम हो जाएगा, मुझे पसंद नहीं है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक मजा कहाँ। ठीक है, श्रेष्ठा अग्रवाल, मैथ्स टीम, वेरी गुड, थैंक यू श्रेष्ठा। ज्योति, ज्योति निगम, असद सर की टीम में। सोनिया मल्होत्रा, जीवी सर के साथ हैं, कोई बात नहीं बेटा सोनिया। आर्यन टेक, हेलो आर्यन। वंश गोयल, केमिस्ट्री टीम में। सर केमिस्ट्री के ज्यादा आ रहे हैं, मैं जाऊँ क्या? फिर आप ही आ जाओ, केमिस्ट्री वाले ही हैं आज। केमिस्ट्री मैथ्स टीम, भव्या गोयन मैथ्स टीम, वंश गोयल केमिस्ट्री, निधि वर्मा फिजिक्स टीम। देखो, ऑब्वियस ही बात है, सबकी टीम में आओ, पर जीतने वाले सिर्फ केमिस्ट्री की टीम में आओ, क्योंकि जीतने केमिस्ट्री वाले हैं आज, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, सर की टीम में भी जाओ, पर इतिहास इतिहास गवाह है, आप देख लो जा करके, इतिहास गवाह है कि मैथ्स आर्मी ही वाले जीतते हैं। ठीक है, इतिहास को बदलना ही केमिस्ट्री वालों का काम है भाई। हाँ ठीक, आज देखते हैं इतिहास बदलता है या इतिहास फिर से रिपीट होता है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आई थिंक, देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कोड शायद पहले गलत चैट में एंटर हो गया था, तो उसको मैं नहीं देखना है, मैंने दोबारा कोड बेटा इस कोड के थ्रू आपको ज्वाइन करना है, एंड कोड इज 7748-7145। बस सर वहां से आप पिन कर दीजिए कोड, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, अभी पिन होने वाला है कोड इनके लिए, रास्ते में अभी हो जाएगा। बिल्कुल, साइंस इज पावर, राइट? साइंस की दुनिया है, साइंस के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं ना बेटा। मैथ्स इज ओवर पावर, ठीक है, बिल्कुल, मैथ्स की रिक्वायरमेंट है पर साइंस से कम है ना, बिल्कुल। मेंटी नहीं चल रही बेटा, आप लोगों ने गलत मेंटी ज्वाइन कर लिया होगा, इस कोड के थ्रू मेंटी को ज्वाइन करो, 7748-7145। गाइस, करियर पॉइंट ने भी यहां पे पिन कर दिया है, इस लिंक के थ्रू आपको मेंटी ज्वाइन करना है, एंड द कोड इज, सर आज हम लोग भी खेल गए इनके साथ, बिल्कुल आज ही तो खेल गए सर, तो 7748-7145। चीज आपको और बता दूं सर, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, बिल्कुल, आप मुझे जवाब दीजिए मेरे एक सवाल का। बिल्कुल, अभी आपको पता है कोविड सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल, कोविड से लड़ने के लिए हमारी टीम, मेडिकल टीम बहुत अच्छा कर रही है, प्रिपेयरिंग वैक्सीन, तो उसमें साइंस इन्वॉल्व हो रही है कि मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है? सर अगर आप देखेंगे, जो टेस्ट होता है कोविड टेस्ट, अच्छा, जो उसकी रीडिंग आती है सर, उसमें नंबर्स होता है या सिंबल्स होता है? पर उससे हमको काउंटर करने के लिए, नहीं सर, नहीं नहीं, वो नंबर, वो नंबर, वो नंबर होता है ना, नंबर जी, कितने लोगों को कोविड नहीं, जो सर वो नंबर आता है, जो जिससे हम बताते हैं कि कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है, केमिस्ट्री टीम में। और सर वो जब थर्मल स्कैनर होता है ना, उसमें सर वो जो नंबर आता है उसमें स्क्रीन पे, टेम्परेचर स्केल नहीं सर, नंबर के अलावा, मतलब जिंदगी इनकम्प्लीट है विदाउट नंबर्स। हाँ बिल्कुल, अच्छा चलो, अब अगर तुम केमिस्ट्री को लव करते हो,
सो जल्दी से बेटा मोहित सरकार, अगर तुम मैच को पसंद करते हो तो भी लाइक कर दो। हाँ, अगर तुम बिजनेस की टीम कुछ हो, भी आप भी लाइक कर अपनी टीम्स को जल्दी से बेटा आप सेलेक्ट करो। मेंटी क्विज आर्मी में हूँ बेटा, ऐसे नहीं होता, आपको एक टीम सेलेक्ट करना पड़ेगा आज, ठीक है? आज आपको वो नाम लिख के लाना है अपने नेम के साथ कि आप किस टीम। देखो सर, वो भव्या गोयन ने बोल दिया सर, विदाउट मैथ साइंस इज इनकम्प्लीट। ओके, एंड विदाउट साइंस सर पीयूष कोई भी हो बेस्ट जीतेगी। तो जी मैथ इज द लैंग्वेज नेसेसरी फॉर साइंस सर। जी प्लस जे प्लस ए वी, मतलब दिस इज जी प्लस जे प्लस ए वी। ए वी कौन है फिर? पता नहीं। ठीक है, वी कॉमन तो नहीं लिया कहीं से। साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ सर, सोनिया मल्होत्रा ने भी बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आपको मानना पड़ेगा सर। तो ये हमारी टीम में आके बता देंगे सर किसको। सरकार सदा बहार सर, आई एम इन मैथ आर्मी, असर सर टीम, थैंक यू। हर चीज जरूरी है वरना। नकीबा गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सुजल। नकीबा इज इन माय टीम। सुजल तुम किस टीम हो बेटा, जल्दी से डिसाइड कर लो। केमिस्ट्री आर्मी में पहले बता दिया क्या सर? ठीक है सर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले उनको हम बच्चों को बता देते हैं। अच्छा पहले एक बार बता देते हैं इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ और शेयर। तो गाइस अगर अभी तक आपने ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है, लिख रखा था। अरे सर लिखा नहीं था सर, वो मैं बता रहा था कि आज मतलब मैथ्स का दिन है, आज मैथ्स डे है। अच्छा, आज मैच डे है ना, इसलिए मैंने लिख दिया था। ठीक है, रफत हसन असर सर टीम, थैंक यू सो मच। मल्होत्रा जीवी सर टीम। सो कहां सर? हेलो विवेक है जीवी सर। चलो ठीक है सर, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा ज्यादा मतलब बस वो रियलिटी अभी सामने आ जाएगी। मैच आर्मी पीयूष, तू तो भाई मेरी टीम में है, देख लो क्या कर रहे हो भाई, तू केमिस्ट्री टीम में पीयूष। अरे ऐसा नहीं होता सर, आप जबरदस्ती सर बच्चों को डरा नहीं सकते हो सर, मैं पुलिस केस कर दूंगा। अच्छा तो सर ये तो हम इनको ऐप डाउनलोड कर, ठीक है? तो गाइस दोस हु आर न्यू काइंडली डाउनलोड कर लो इसको, आप कर लिए, जो लोग नए हैं उनको डाउनलोड कर लो, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। नेक्स्ट प्रोफेसर आ जाते हैं। इस कोर्स के बारे में हम बता देते हैं बच्चों फटाफट, जैसा कि जो ऐप है उस पर दो टाइप के कोर्सेज हैं। अत्यधिक आनंद सर, आई एम इन असर टीम, देखते रहे ना सर, ठीक है? तो सर मोहित सरकार केमिस्ट्री लवर, जो ऐप है हमारा उसमें दो तरीके के कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज जो कि फ्री स्टफ सेक्शन में, और कुछ पेड कोर्सेज है। तो बच्चे फ्री कोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं और पेड कोर्सेज से, लेकिन जो पेड कोर्सेज है वो थोड़ा वेल डिजाइन, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है इनके करियर को देखते हुए। तो जो इनके लिए 9th-10th इसी कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके एक पेड कोर्स है जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप 9th-10th में हो। बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर लिया और मेंटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी रहे। जिन जिन लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में तो एक बार उनको बताना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इस कोर्स में है और उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? चलिए, तो इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें सब लाइव क्लासेस होती हैं। फ्रॉम तो याद हो गए बच्चों को भी। और सर एक चीज जो इसमें ऐड किया गया है, टेंथ क्लास वालों के लिए हम 9th का कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनटीएससी के लिए 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट, 30-40% क्वेश्चंस 9th क्लास से भी आते हैं, तो ये आपको मतलब एक बोनस मिलेगा, आपको एक गिफ्ट है हमारी तरफ से। अगर आप 10th का कोर्स परचेज करते हो तो 9th का फ्री में मिल जाएगा, और 10th का तो मिल रहे हैं, ठीक है? सारी क्लासेस लाइव होंगी, आपको लेक्चर वाइज डीपीपी इन द फॉर्म ऑफ क्विज मिलेगा, जूम डाउट काउंटर टू सॉल्व योर डाउट। क्लास में भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है तो हम जूम के थ्रू आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपको बेटा लेक्चर्स अगर आपका मिस हो जाता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलता है जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। आप किसी पार्टी में गए, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? सर मतलब बच्चा एक्चुअली बता रहे हैं एक्सरसाइज शीट इन पीडीएफ, बिल्कुल, जो इसमें ऑलरेडी है। और आपको सबसे बड़ी चीज होती है सर, ये बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर हम कौन सी बुक परचेज करें एनसीईआरटी के अलावा, तो आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं। अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया, हम आपको एक्सरसाइज शीट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? तो गाइस इस कोर्स को आप ज्वाइन करने के लिए पहली बात आपको ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके बाद इस कोर्स में आपको एनरोल करना होगा। और उसके लिए सर इनको डिस्काउंट के लिए सीपी सेट का एग्जाम जो कि 13th को है इस संडे को है, तो उसके लिए आप अपियर हो जाइए, तो वहां पे आपको बेस्ट से बेस्ट स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। स्निता सिंह सर, एवरी सब्जेक्ट इज नेसेसरी एज वी मे टॉप इन वन सब्जेक्ट फेल इन अदर्स। मैं सर एक बात क्लियर कर दूं बच्चों को, बेटा हम जो अभी बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस सेशन के लिए, इस सेशन की हम बात कर रहे हैं, सेशन के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे। तो दिस इज हम लोग लड़ाई करने वाले नहीं है, हम लोग फिर लास्ट में मिल भी जाते हैं, ठीक है? हम इसलिए हेल्दी फाइट करते हैं क्योंकि को पता है जीतना तो केमिस्ट्री वालों को ही है, सो फिर फायदा सर इतिहास गवाह है सर, इतिहास बदल देंगे सर। तो सर अब आ जाते हैं, ओके एक इंपॉर्टेंट चीज तो सर इसके बारे में आप बता दीजिए, आज आ जाएंगे बेटा खालिद हुसैन। और आज सबसे इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड ये है कि इस पे जो क्लासेस है वो आज से शुरू हो रही है, और आज की क्लास शुरू करने के लिए जो डाइस है उसको फेंकने वाले हैं असद सर। तो आज इस पे एक डाइस फेंका जाएगा, और डाइस के सेशन के साथ आज कितने बजे सर? 4 PM 4 PM 4 बजे
4 PM सर सुन रहे हो, 4 PM 4 बजे ठीक है, 4 बजे सबको आ जाना है ई करियर पॉइंट गवर्नमेंट जॉब पे अपनी क्लास के लिए ठीक है। सर ने चीटिंग की है, सर मैंने कौन सी चीटिंग की है? सर आपने स्टार्टिंग में आके प्रमोशन कर लिया खुद का, हमें पता लग गया है यहाँ पर सर। नहीं सर कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल पता लग गया है ये बात हमें। बता रहा था कि अभी तक दो हमने फाइट किए, दो या तीन फाइट किए, उसमें मैं सार में जीती, इसलिए आप इसलिए मैंने अपने मन से अपने मन से झूठ है झूठ बेटा झूठ। सर एक बार देख ले मेंटी पे कितने बच्चों ने ज्वाइन किया। टाइमिंग 4 PM एक बार बैक कर देते हैं सर। बिल्कुल सर बिल्कुल अब रहना पड़ता है। सो बिल्कुल यहाँ पर 56 प्लेयर्स ने ज्वाइन टीम में है। आप पूछ लीजिए फिजिक्स टीम में कौन कौन है? फिजिक्स टीम में सारे फील्ड है ठीक है। देखो हम तीनों यहाँ पर अभी प्रेजेंट है आपको ये बताने के लिए कि जो आज वॉर है उसमें आपको एक टीम को सेलेक्ट करना है। देवांश पाराशर डेली को बिल्कुल जल्दी ही SST की जो पेंटी है वो भी आने वाली है, डोंट वरी बच्चे। और एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स भी आपके लिए करियर पॉइंट NTC चैनल पर आने वाला है, तो आप थोड़ा सा वेट रखिए, थोड़ा सा दिल थाम कर रखिए। एक चीज कहूंगा सर, दिल दिल को ज्यादा भी मत थाम लेना, इसको चलते रहने देना। तो बिल्कुल सर दिस इज साई NIM मैथ्स टीम, थैंक यू। टीम केवल एक ही यहाँ पर वो है फिजिक्स टीम, बाकी ये तो जीतते रहते हैं, ये दोनों हारते रहते हैं ठीक है, आदत हो गई इनकी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप हमेशा जीतने वाली टीम में रहिए और जीतने वाली टीम में जावेद सर टीम। सर मेंटी स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज का मेंटी। सो सर हमने सारे बच्चों को बता दिया है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, लाइक द सेशन, शेयर द सेशन विद योर ऑल फ्रेंड ठीक है गाइस, और लाइक कर दो सेशन को ना, मतलब हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, गौरव सर, जीवी सर, जावेद सर, और भी हमारा बैकएंड में इतनी बड़ी टीम है, सारी टीम करती है ओके। सो आपकी तरफ से मतलब सर टीम, आदित्य असद सर टीम, अरे सर मतलब अपने भी प्रचार कर लो, नहीं तो फिर आप बोलोगे हमने प्रमोशन नहीं किया। गाइस जावेद सर टीम में होना आप सभी दिखा देना ना, यहाँ कमेंट बॉक्स में नहीं दिख रहा लेकिन लीडर बोर्ड में दिखना चाहिए ठीक है, लीडर बोर्ड में दिखना चाहिए। दैट्स यू ऑल आर इन द फेवर विद द जावेद सर ओके। बोलो सर सारा स्टार्ट कर दिया सर मेरे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिल्कुल, और सर ये पहला क्वेश्चन देख लेते सर, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, बीसीडी के पैरेलल है, CDEF के पैरेलल है, BCD के पैरेलल है। Find the measurement of angle DEG if angle BCD is 60 degree. काफी इजी क्वेश्चन है गाइस, सर आप ही देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन 5 कैसा गया, आपने कुछ कर दिया बिल्कुल सर, ऑप्शन 4 ही है गाइस, तो आपको 4 ही मार्क करना है। वेरी गुड शिवाज कपूर, शिवाज गुप्ता, थैंक यू सो मच, अमन कुमार, थैंक यू सो मच बच्चे ओके। तो गाइस लास्ट 10 सेकंड, शिवांश अरोरा इन असेस सर टीम, थैंक यू शिवांश सर, आप भी कुछ बोल दो यार, लीडर बोर्ड में सर बिल्कुल लीडर बोर्ड में पता लगने वाला है कौन कहाँ है कितने पानी गाइस, टाइम्स अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बी मतलब 60% स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है सर। एक्सप्लेन कर दो सर, पहले एक्सप्लेन कर दो सर, अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं करवानी नहीं, चलिए काफी इजी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए लीडर बोर्ड नहीं सर क्वेश्चन नंबर 2 यस आपको बता देता हूँ, अगर आप जावेद सर की टीम पे हो तो बहुत बेनिफिट पर रहोगे, मतलब आपकी जो रैंक है ना वैसे बूस्ट अप होगी, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आज, यही तो बात है सर, ऐसी सर सेटिंग करके आए हैं इसमें बता दो सर, ये तो इसी था, इसके लिए देखो काफी इजी है बेटा, इसमें इसका मेजरमेंट निकाल लो, इसका मेजरमेंट सर 180 माइनस 55 इज 125, अगर सर ये दोनों लाइन पैरेलल है
स्टूडेंट हमेशा फिजिक्स टीम में रहता है सर, और हमेशा फिजिक्स टीम में ही रहेगा। आदित्य जैन ऑलवेज इन फिजिक्स टीम और डॉक्टर सरकार ईशान गोयल सर, ये सब मैथ्स टीम वाले। यार मतलब फिजिक्स टीम तो दिख नहीं रही है क्या बेटा? अभी आप बदल सकते हो अपने आप को, मैथ्स आर्मी ही जीतने वाली, इतिहास गवाह है, आप देख लेना जाकर। इतिहास गवाह रहा है सर, बिल्कुल इतिहास गवाह रहा है, इतिहास को हम बदलेंगे सर, देखते हैं। हम यहाँ पर इतिहास बदल रहा है सर। सर एक भी नहीं प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम? वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? जल्दी से, आज मैं बहुत इजी क्वेश्चन लाया बेटा केमिस्ट्री वालों के लिए, ताकि आप केमिस्ट्री टीम मतलब बहुत रॉक कर दो। वेनेडियम 90% 100% से कम आंसर्स नहीं आएंगे आज, बिल्कुल एक या दो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है। तो सर ये बर्गर और मतलब बर्गर कहां से याद आ गया आपको? अरे सर ये जावेद सर को बेटा भूख लग रही है। वेनेडियम जो होता है सर, मतलब रोशन करना है सर, बिल्कुल रोशन, बिल्कुल रोशन तो सर लाइट ही करेगी। 49 स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे हैं 73% स्टूडेंट्स ने बहुत सही किया है। वेनेडियम 23rd एलिमेंट है, ट्रिक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल साइंस टीचर वाली ट्रिक, बिल्कुल उससे हो जाएगा। राइट, कितनी ट्रिक बता दिया सर आप बच्चे को? सर मतलब ट्रिक से ही, गौरव सर की ट्रिक जो है अगर आपको देखना हो तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक ये लेकर आते हैं, आप देख सकते हो करियर पॉइंट के एनटीसी चैनल साथ हमारे साथ, और हम बिल्कुल बहुत अच्छा आपको आगे तक लेके जाएंगे। गाइस चलिए क्वेश्चन का फोर्थ बात करते हैं, इसके बाद आएगा लीडर बोर्ड जिसमें केमिस्ट्री वालों को ऊपर आ रहा है। सर हमारे फास्टेस्ट भी हम देखना चाहते हैं कौन फास्ट कर रहा है सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द कन्वर्जन Br2 टू BrO3 माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्रोमीन चेंज, मैथ्स आर्मी कमेंट में भी आने लगा लीडर बोर्ड में आता था ना आपके पास, बात की गई है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, मैं बेटा यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट है तो यहाँ तो जीरो है, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है तो -6, तो ये हो जाएगा एक्स -6 इक्वल्स टू -1, बिल्कुल सो एक्स इक्वल्स टू +5, तो जीरो से +5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन था। ईशान गोयल जावेद सर टीम आपकी टीम में भी आ गए सर, थैंक यू सो मच ईशान, हमको तुम्हारी जरूरत है, ऐसे हम तुम्हें बीट करेंगे। तो लीडर बोर्ड पे देख लेते हैं किसकी टीम कहां पर है, कम ऑन गाइस। अरे यार सबकी टीम आ गई सर, मेरी टीम कैसे नहीं आ रही है? तो सर यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं सबके लिए, नीमो टॉप पर है जो कोई सी टीम में अभी तक उसने बताया नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। सेकंड पे जीवी आर्मी, बिल्कुल आराम से पढ़ी जीवी आर्मी। पीपीएस डिकोड क्या है? डिकोडिंग आई थिंक ये प्यूज होना चाहिए नाम, डिकोड है। थर्ड पे डॉक्टर सेंटीपेड, इनका भी कोई टीम हमें पता नहीं है। फोर्थ डी कोई टीम पता नहीं है। फिफ्थ पे स्निग्धा, सिक्स पे मोहम्मद असद अनवर, असद सर खुद ही खेल रहे थे मेंटिया, असद सर आप आ गए क्या? अरे नहीं यार खेल रहे असद सर, बच्चों का प्यार नहीं कर रहे सर, ऐसा बच्चों का प्यार है, बहुत बढ़िया। मैं नेम चेंज कर दूंगा, टीचर का नेम याना चाहिए सर, मैं नेम चेंज कर दूंगा। ईशान गोयल, ईशान गोयल आपकी टीम में बोला था? ईशान बिल्कुल, ईशान गोयल मेरी टीम में, ईशान ने बोला था सर, ईशान गोयल यादव, सो वेरी गुड ईशान। सुजल जीवी सर अगेन, और डॉक्टर वैशाली विशाल स्वामी रामस्वामी, ओके ओके।
सो यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड मोहित सरकार, शाबाश, बहुत अच्छा। केमिस्ट्री विल विन, केमिस्ट्री ही जीतेगी। सोनिया मल्होत्रा सर यहाँ पर मतलब है ना आपके लिए क्रैकर्स चला दिए है, हार्ट भेज दिए बहुत सारा आपके लिए, और इसके अलावा सो मच गाइस फायर मतलब आग लगा रखी है सर, मतलब क्या हो रहा है। अच्छा विवेक, अरे विवेक सर, विवेक भी यही था, मेरे को दिखा था विवेक नहीं है सर अभी, बिल्कुल विवेक Lots of hearts to you also यार, सबके लिए बहुत सारे hearts, मतलब सबके लिए बहुत सारे sir, आपको भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, मेरी टीम का आप ज्वाइन कर लेते हो तो। आकाश पाठक बिल्कुल आपका नाम लेंगे, आप मेरी टीम में आओ जल्दी से लेंगे, बिल्कुल सर मैथ्स आर्मी भी साइंस टीचर कह रहे हैं, देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5 सर आर्मी पर क्या साइंस टीचर मांगेंगे कोई ना, प्योर जान। चलिए ओके, साउंड्स वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड गैसेस और वैक्यूम। अब देख लो फिजिक्स टीम में रहने में ही फायदा है सर, देख लो सॉलिड लिक्विड गैस केमिस्ट्री की बात करो तो फिजिक्स टीम में तो कोई फायदा ही नहीं है, बाकी सब वैक्यूम का फिजिक्स में आता है। हेलो समृद्धि सिंह, हाय बेटा, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल मैथ्स आर्मी ने सारे मैसेज डिलीट कर दिए अपने। चलिए ओके समृद्धि, बिल्कुल जल्दी से केमिस्ट्री टीम में आ जाओ और यहाँ जीत के जाना है, वेरी गुड भव्य गोयल, विवेक बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल मोटिवेशनल विवेक, सबको लास्ट 13 सेकंड्स बचे साउंड इज ए टाइप ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, इट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट, यानी कि साउंड वैक्यूम से पास नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। 90% स्टूडेंट्स, 100% वाला क्वेश्चन था सर, 100% वाला क्वेश्चन बढ़िया, ना 100% वाला था, हम बहुत अच्छे हैं, आई होप आप भी बहुत अच्छे हो। ओके नकीबा वेरी गुड बच्चे, समृद्धि सिंह, ज्योति ज्योतिमल, देवाश पाराशर, शिवाश अरोरा, नकीबा ने अभी भी बताया था वो केमिस्ट्री टीम में, मैं आपको बता रहा हूं, नकीबा ने बताया था अभी, मैसेज दिखा दिया अभी बता रहे, देख लो ये देख लो सर, क्वेश्चन नंबर 6, अरे तो जावे सर की टीम में भी तो रहने दो यार सर, आप ऐसा करिए सर सारे स्टूडेंट को आप अपनी टीम में ले जाइए सर, मैं इसमें भी सर इन ट्रांसवर्स वेव, ये तो फिजिक्स वाले कर लो, अभी मेरा लॉन्जिट्यूडनल की बात की थी ना, ठीक है आप ट्रांसवर्स है तो ट्रांसवर्स समझ जाना पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट, पार्टिकल ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, पार्टिकल रिपीट देयर मोशन आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, तो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए या ए होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, ठीक है सो स्टिल 7 सेकंड रिमेनिंग, बिल्कुल बिल्कुल बेटा रिफ्रेश कर लेना अगर तुम्हारे मेंटी में ऐसा कुछ हो रहा हो तो, आज मेंटी हैंग हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत लोड है, वॉर चल रहा है, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल आया 10% स्टूडेंट आंसर किया, टाइम सब हो गया, एक बार अभी अपने आप हम इसको टेंशन नहीं कर रहे हैं, अभी देख लेते हैं, तो सर मेंटी हैंग हुआ है तो ये सर सभी जगह पे हैंग हुआ है, बच्चों का भी हैंग हो गया और हमारा भी, मैं चाहूंगा अपनी टेक्निकल टीम को बुला लें, बैक करने से आई थिंक ये नहीं, ये इसी क्वेश्चन का लीड नहीं, 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 नहीं लास्ट वाले था ये, इस बार वाले का है क्योंकि सिर्फ 10 स्टूडेंट्स आंसर कर पाए, फिर से ट्राई करके कर दो ना, ओनली 10 स्टूडेंट ने आंसर मार्क कर पाया सर, तो हम इस क्वेश्चन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे इस क्वेश्चन को, डोंट वरी बच्चे, ओके क्योंकि सिर्फ अपनी यहाँ पर ही प्रॉब्लम नहीं है सर, सबके साथ सभी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हुई है, तो मेंटी के सर्वर पर ही प्रॉब्लम है, ओके डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं कि कुछ हो रहा है, एक प्रॉब्लम आ रही है सर, हम दिखा रहे हैं टेक्निकल टीम, जैसा क्वेश्चन था इसको हटाएंगे सर, हटाना पड़ेगा सर, बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम रिमूव कर देंगे, डोंट वरी, और लीडर बोर्ड को भी सर स्किप करें, नहीं स्किप नहीं करेंगे, दिखा देंगे, पर स्टूडेंट स्टूडेंट ने आंसर किया था एक्चुअली, फिर बाकी के जो स्टूडेंट थे वो आंसर नहीं कर पाए, अच्छा एक चीज और तुम्हें बता देते हैं बेटा, हाँ हम रुक जाते हैं, हाँ बिल्कुल रोक कर देंगे, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ केमिस्ट्री टीम में रहो, सेफ रहो, सो एक सेकंड होल्ड करे जाओ सर, एक सेकंड ये क्योंकि उसके बाद का लीडर बोर्ड आ जा दीजिए ताकि एक मेंटी लोड हो जाएगा, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बिल्कुल ओके सो यहाँ पर पीयूष टॉप पर है, निमो सेकंड पर, हार्दिक मैथ्स आरबी आईएएस आईए, दिवेश यादव हाँ उसको रिमूव कर देंगे सर, लेकर सनेकदा सिंह, ईशान विहान, नित्य पांडे, सुजल, ओके डोंट वरी गाइस आ जाएगा ना, सो सर आपने क्वेश्चन रिमूव कर दिया है, एक बार पैक करके देख लेते हैं सर, बिल्कुल सर, नहीं एक बार अभी लेट्स सी सर अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ देखो हमने इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया है क्योंकि नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ओके सो इस क्वेश्चन पे जिसको भी जो पॉइंट्स मिले थे वो कंसीडर नहीं होंगे बच्चा, ओके वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड इट, तो आपके लीडर बोर्ड जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल
ठीक है ठीक है, आई थिंक अब मेंटी वर्क करेगा प्रॉपर, लेट्स होप, डोंट वरी ना बिल्कुल गाइस। ओके तो सर ऐसा करते हैं बच्चों, एक बार चांस दे देते हैं वापस, आप मेंटी को ज्वाइन कर लीजिए। बच्चे कह रहे सर आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म द मेंटी, तो गाइस डोंट वरी, एक बार आप ऐसा कीजिए, आप सभी है ना मेंटी को एक बार लॉग ऑफ कर लो, मतलब आप अपने ब्राउजर को ऑफ कर लीजिए और वापस से मेंटी को ज्वाइन कीजिए। हम अभी 1 मिनट का वेट यहाँ पर कर रहे हैं आपके लिए। ओके डोंट वरी गाइस, एक बार अपने ब्राउजर को आप रिफ्रेश कर लीजिए, मेंटी से लॉग आउट हो जाइए, वापस से लॉग इन होइए, हम आपका वेट कर रहे हैं 4 मिनट के लिए। आई थिंक सर जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन शो नहीं करेंगे उनको पता नहीं लगेगा उनका मेंटी चल रहा है नहीं चल रहा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर एक बार सर हमें ये तो देख लो, हम ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे ने ज्वाइन किया है कुछ नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बच्चे ना, करिए एक बार ट्राई कीजिए, हो जाएगा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इट्स नॉट द प्रॉब्लम फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि हमारा सब कुछ सही चल रहा है, हमें तो उन 30 स्टूडेंट्स के आंसर मिल रहे हैं। बिल्कुल, उन 13 के अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं तक नहीं आता, एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो जल्दी से। बिल्कुल, सोनिया ज्वाइन कर चुकी है सर, 14 हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो बढ़ जाएगा सर, 14 हो गया, जल्दी से एक बार रिफ्रेश कर लो। यस बिल्कुल, जल्दी से रिफ्रेश कर लो, हम वेट कर रहे हैं। जैसे वॉचिंग है यहाँ पर 50 वॉचिंग है, तो 50 प्लेयर जल्दी से हो जाएंगे। देखो हो गया सर, हो गया, देखिए बिल्कुल जल्दी से ज्वाइन कर लो, पैनिक नहीं करना है, आराम से होगा बेटा, होगा। बिल्कुल, हम आपके साथ है, टाइम हम आपको दे रहे हैं, आराम से ज्वाइन कीजिए, मेंटी आपके लिए ही है गाइस। देखो जैसे हम तुमसे बोलते हैं ना, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन है ई करियर मोड लर्निंग है, वैसे ही तुम्हारी हर सलूशन कोड देता हूं वापस से, कोड चाहिए, कोड सर वापस से, सर गौरव सर है, कोड लिख देते हैं यहां पर, कोड हम दिखा देते हैं, उधर बैठा जाइए सर, कोड है हमारे पास 7748 7745 7 8 7 1 4 5 7 8 7 1 4 5 7 1 4 इस कोड से आपको ज्वाइन करना है ओके सो बिल्कुल यस हमने आपको कोड दे दिया है गाइस डोंट वरी 7748 7 1 4 5। और अभी जो चैट आपके चैट में भी कोड आ जाएगा, देखो कोड मिल चुका है आपको चैट के अंदर, चैट पे भी कोड है। आई थिंक जैसा आप देख रहे हैं सर 48 स्टूडेंट्स आ गए हैं, सो अब बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, तो हम लास्ट 30 सेकंड्स और वेट कर रहे हैं, जिसको ज्वाइन करना है जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटी पर ही हो प्लेटफॉर्म पर। वेरी गुड, स्नेहिता को सर रिज्वाइन हो गया। दिवेश यादव, आई अंडरस्टैंड आपके पास क्वेश्चन आया था, आपने सही मार्क किया, पर हमने उस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रॉपर्ली सभी के पास नहीं गया था, मेंटी वहां क्रैश हुआ, सो हमने उसको कर दिया। तो सर एक बात तो माननी पड़ेगी, हाँ सर, हमारी वॉर ने आज मेंटी को भी क्रैश करा दिया है सर, बोर्ड मतलब सर धमाकेदार हो रहा है, ऑब्वियसली होने वाला है सर, ऐसा ये जो थंबनेल पे धमाका हुआ था ना पीछे, वो मेंटी पे हो गया आज। तो सर 51 प्लेयर ने भी ज्वाइन कर लिया है, एवरीवन इज रेडी, एक बार जल्दी से थम्स अप यार, चैट में थम्स अप चाहिए, और सर थम्स अप वहां भी चाहिए, 35 हो रहे हैं, लाइक को भी एक थम्स अप लाइक पर और एक थम्स अप चैट में गाइस, जल्दी से दिखा दो यार, फिर हम मेंटी को स्टार्ट कर देते हैं ना। यस बिल्कुल कर दिया जतिन, ऑलरेडी डिलीटेड क्वेश्चन 6 ऑलरेडी डिलीट हो गया है, उससे कोई आपके लीडर बोर्ड पे फर्क नहीं आया है, ठीक है गाइस। ओके सो मतलब आज तो लाइक्स बनते हैं हमारे लिए, क्या प्रॉब्लम है, 55 हो गया, 55 हो गया, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं गाइस, चले स्टार्ट करें, आज कुरुक्षेत्र बन गया है सर, प्लीज स्टार्ट, बिल्कुल अब हम रेडी है, चलिए वेरी गुड। नकीबा करिए, वो जावेद सर की टीम है, ऑल थ्री, वो जावेद सर ऑल थ्री, वो ऑल थ्री का मतलब यही है सर, अच्छा जावेद सर जावेद सर जावेद सर, ओके ओके ठीक है, तो वो जावेद सर की टीम, ओके ओके देख लेंगे, ओके वेल डन, वेरी गुड, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल बिल्कुल सर, एक मिनट रुको, फिर से बैक करो एक बार, आज ही मेंटी तुम्हें बहुत चेक करा रहा है, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है 6 तक हुआ है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं, ठीक है चलिए, और 6 हमने हटा दिया था क्वेश्चन, तो चिंता मत करो। So this is a question number 7. In the following figure, if AB equals to AC, BD equals to DC, then angle ADC equals. Skip नहीं हुआ बेटा, ये रहा question 7 आपके सामने, कहीं नहीं गया, आ जाओ। अरे सर थोड़ा हमको भी promotion कर लेने दो। असद सर को भी बिल्कुल बिल्कुल बुला लीजिए, असद सर को यहाँ पर। तो guys, मैथ्स आर्मी रेडी हो जाइए आप लोग, काफी टफ क्वेश्चन है आपके लिए, हार का सामना करने के लिए केमिस्ट्री वालों से, देखते हैं। सर पता है आपकी मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको बता दूं जो केमिस्ट्री वाले ना उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और फिजिक्स वालों की भी सर मैथ्स अच्छी है, बिल्कुल, इसका मतलब मैथ्स 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 हर जगह मैथ्स 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 है, पर केमिस्ट्री वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही होशियार होते हैं। देखो सर मैथ्स आर्मी आ रहा है हर जगह,
बेटा विवेक गलत मत करना, इज्जत रख लेना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया 90% सर। मतलब आप देखेंगे आज जो वॉर है, हाँ। हमारे जो हम नॉर्मल मेंटीज लेते हैं उसमें आंसर आते थे 50% 40%, आज वॉर के लिए बच्चे भी तैयार, बच्चे बिल्कुल रेडी करके आए सर, आज मजा लेंगे। तो सी इज द राइट ऑप्शन, मैं बता देता हूँ बेटा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, मीडियन थी वो, क्योंकि साइड्स इक्वल थी इसलिए वो एल्टीट्यूड भी होगा। ठीक है बिल्कुल गाइस, बहुत जल्दी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा दूंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, वन शॉट पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 राघव पाटिया, रिपीटेड नहीं ना, ठीक है, थैंक यू। चलिए, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स द एक्सटीरियर एंगल बाय 132 डिग्री, देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज, ओके ओके, सो ये तो वो लगेगा एन साइड्स वाला, ठीक है हमने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल बेटा, हम भी चाह रहे हैं कि आज केमिस्ट्री टीम जीत जाए। तो गाइस टाइम्स अप, तो डी इज द राइट ऑप्शन। एक बार मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, तो इसमें खेल भी हो गया है बच्चों के साथ। देखो बेटा ये वाले क्वेश्चन में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स, ये दोनों इक्वल, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, मीडियन है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड भी होता है, इसका मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कांगुरेंट हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन। सर नेक्स्ट कर दीजिए, मेजॉरिटी ने सही किया था इसमें बेटा। देखो इसमें गिवन है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स द एक्सटीरियर एंगल बाय 130 डिग्री। तो सर अगर मैं एक्सटीरियर एंगल को थीटा बोलूं तो हमारा इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 132। और अगर मैं कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर दूं, सपोज ये पॉलीगन है, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, दैट इज 180। बस यहीं पे कहानी निकल जाएगी, तो यहां से बेटा थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24। और आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल में, सॉरी इसमें क्या नाम है, रेगुलर पॉलीगन में अगर ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 360/n, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 24, तो 24 को इधर ले आओ, तो 360/24 इज इक्वल टू n, विच इज 15। तो 15 इज द राइट आंसर, विच इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन का एक अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अरे ये विवेक कैसे टीम बदल गया, क्या बोल रहा है, केमिस्ट्री हारेगी नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, ओके, मैं डर गया। विवेक मल्होत्रा सीपी लाइन, ओके, हल्क जावेद सर एसी, अरे सर तो जावेद सर सब दिख रहा है, हमारी टीम ही नहीं गई है, फर्स्ट पर है, डी इज ऑन टॉप, देन इस निदा आ गया फर्स्ट पर, डी तो सर अपना नाम नहीं बताता, तो उसको मतलब नॉर्मल करेंगे, उसको तो मतलब वो सबके टीम में है, देन इस निदा नेमो, इसने अपना नेम कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, कमेंट करके बता दो स्निग्धा कि आप केमिस्ट्री की टीम में हो। नेमो बहुत बढ़िया, जीवी आर्मी नेम है, ठीक है, पीयूष, हार्दिक मैस आर्मी, सेबेस्टियन, हल्क जावेद सर एसी, ईशान गोयल, स्वप्निल सब में है, विवेक मल्होत्रा सब में है, तो मतलब एक-एक सबके हैं अभी तक, और अगर फाइट दिया जाए तो आप सर टॉप पे हैं, लेकिन पॉइंट के डिफरेंस की अगर बात किया जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, 100 पॉइंट का डिफरेंस है, और जावेद सर भी ज्यादा पीछे नहीं है, उनकी भी टीम आ गई हल्क के साथ, तो हल्क वो सबको कुचल देंगे, वाट लगा देंगे, इसलिए हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, तो मैच सार में आप लोग अलर्ट रहना। ठीक है, ओके, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, वो विवेक मल्होत्रा वो जो सोनिया वो तो जीबी से टीम है, अरे नहीं सर उसमें सीपी रॉक्स लिखा, ऐसे नहीं माना जाएगा, लीडर बोर्ड पे माना जाएगा सर, वहां कमेंट करने से नहीं होगा, ये तो सर चीटिंग, वैसे पीयूष ने भी बोला था मैच सार में सर चीटिंग हो गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ये रिएक्शन में वहां उनको दिखाता हूं, हां सर वो वाला ब्रेक हो गई है, रिपीटेड लग रहा है सर, ये वाला जावेद सर को रिपीटेड लग रहा है, तो अरे तब भी तो 20% सिर्फ दे पाए थे आंसर, खेल हो गया तो उसमें, तो बेटा एबीसीडी की वैल्यू फाइंड आउट करने, रिएक्शन आपको दिख रही है, हाँ नहीं है सर रिपीटेड, बोल दिया रहा हूँ रिपीटेड नहीं है सर रिपीटेड, ओके बेटा चलिए, तो आई थिंक बच्चों ने देख लिया होगा, उधर चले, आई थिंक टाइम भी होने वाला होगा, तो लास्ट 3 सेकेंड्स है, सर उस दिन भी बी आया था सर, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, उसमें कुछ करना ही नहीं, बैलेंस था, ये इसे क्या करते हैं, सब में 1 1 1 आएगा, देखो बेटा रिएक्शन बैलेंस है तो सब में 1 आएगा, 1 किसी ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो नन दिस इज करेक्ट आंसर, बेटा हमेशा ऐसा थोड़ी होता है, मैं क्या कर रहे हो तुम यार, तो सर एक्सप्लेन करके फिर से आऊंगा, एक बार बता देते हैं इनको बच्चों को, क्लियर बेटा, देखो MG1 है, MG1 है,
Cl2 दो है, Cl2 दो है, Ca1 है, Ca1 है, SO4 पूरा एक देख लो, SO4 पूरा एक क्या था बेटा, ऑलरेडी बैलेंस है, इसका मतलब सब कुछ इक्वल होगा, वन के इक्वल, A=1, स्वप्निल समझ गया था ऑलरेडी बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 10 सर, बहुत कम बच्चों को सही था तो मतलब खेल हो सकता है। विवेक वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज और आर द नेम्स ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? पिछले में नन था, अभी ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन में है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। अरे सर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इसका मतलब रिपीटेड है सर? सर आप अगर ये रिपीटेड है तो आप राघव है ना सर हमारे पास, उसका तो हमारे पास वो है प्रूफ, राघव लगाएगा स्टैंप कि क्वेश्चन रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। इसमें तो गलत मत करना, 100% आना चाहिए, 100% आना चाहिए, एब्सोल्युटली। बेटा यहां पे आंसर मत मार्क करो, आप मेंटी पे आंसर मार्क करो। नो प्रॉब्लम बेटा, कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन किया अभी ज्वाइन कर लो। सर देखना सर एक बार परसेंटेज, बहुत जल्दी से केमिस्ट्री ठीक, 90% वेरी गुड। तो लीडर बोर्ड पे आ जाए सर, राघव पहला कमेंट देखो, पहली बार देखा, नो रिपीटेड, नो रिपीटेड राघव बिल्कुल। तो सर कुछ एंट्री बिल्कुल बहुत कुछ दिख रहा है हमको, स्वप्निल, ईशान, हल्क, हार्दिक, जीवी, आर्मी, एक और एंट्री हो गई, अभी देखते रहना सर, अभी तो शुरुआत है। ओके तो नेमो को छोड़ो, अभी क्लोज है सर, नेमो को छोड़ो अभी, अपना नेम नहीं डिसाइड किया, हो सकता है लास्ट में रिवील करें, लास्ट में बता देगा असद सर आर्मी, देन पीयूष, देन हार्दिक विद मैथ्स आर्मी, देन डी हल्क जावेद सर। तो सर अगर इसको हम हटा देते हैं, काउंट नहीं करते हैं, तो फर्स्ट अब कंपटीशन काफी मतलब क्लोज हो गया, अभी आप टॉप पे हैं, देन थोड़ी देर के लिए तो, उसके बाद जावेद सर हैं, देन स्निधा ने भी नहीं बताया, स्वप्निल तीनों टीम में, दिवेश यादव मैथ्स टीम में, तो यहाँ से हम बोलेंगे सर हम लीड पे हैं। तो सेबेस्टियन एंड ईशान गोयल ने अभी कुछ भी नहीं किया है, तो बेटा अगर आप चेंज कर सकते, आपके लीडर बोर्ड में दो नाम है, पर टॉप पे केमिस्ट्री जी, हाँ पर टॉप पे केमिस्ट्री ज्यादा है, ठीक है। नेमो फास्टेस्ट है, बहुत अच्छा खेलता है नेमो, बहुत अच्छा फिश, आज जब फिश लेते तो फिश आती नहीं है सर, आज फिश ही फिश है। आज जावेद सर ने नहीं लिया था ना, व्हेन अ बेबी पुल्स अ लाइट टॉय कार ऑन द ग्राउंड द वर्क डन इज, मतलब बॉय बेबी पुल्स, ओके, अ लाइट टॉय कार ऑन द ग्राउंड द वर्क डन इज जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन जीरो। सो बिल्कुल गाइस है ना, सिंपल था क्वेश्चन, आपको वर्क डन का नेचर बताना है, 100% वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सर दिवेश यादव आपको सॉरी बोल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आज हमारी टीम में कल उनकी टीम में आ जाना, फिर जेवी सर टीम, आपने आज किसकी टीम में उसने डिसाइड कर लिया ना, दिवेश यादव असद सर टीम। अरे दिवेश यार बिल्कुल, मुझे पता है तुम हमेशा से मेरी टीम में रहे हो यार, कोई बात नहीं सर, गलती हो जाती है बड़े बड़े लोगों से, नहीं है आप जीतोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, टीम चेंज करने से हार जीत नहीं होती। So work done will be positive sir, option number B is the correct answer. Explanation की जरूरत नहीं, next question पे आ जाते हैं, let's come on the leaderboard, repeated, अरे यार first question आया है सर आपके लिए, वो बैठा रहता है क्या repeated लिख रहे के लिए, राघव किसी टीम में बच्चे, तुम बताओ जल्दी से मुझे, negative value of work done indicate that force and displacement are in the same direction, four displacement are at the right angle, four displacement are making acute angle, obtuse वाला force displacement are making obtuse, तो एक्यूट का मतलब है एंगल बिलो 90 डिग्री और ऑब्यूस का मतलब है एंगल अबव 90 डिग्री, 90 से 180 कुछ भी हो सकता है ना, परपेंडिकुलर होगा तो जीरो होगा, आपको पता है क्या सर, कॉस 90 जीरो होता है ना, हमेशा होता है, हां अब पता नहीं, अब भाई कॉस 90 जीरो होता है, हमेशा होता है कि वर्कर ऑफ द शो, पता नहीं सर, सब फ्रिक्शन फोर्स होता नहीं होता, तो हमेशा नहीं होता, लेकिन आप यहां से आपसे पूछा गया है नेगेटिव वैल्यू की बात, तो लेट्स सी नेगेटिव वैल्यू पे क्या होने वाला है, डी ऑप्शन टाइम सर एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, मैथ्स में कर देता हूं, ऑब्टूस एंगल ये, हां सो गाइस लिसन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स इस तरीके से अप्लाई करते हो, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मैं डॉट पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये तो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कुछ इस तरीके से, अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल है इट इज मोर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्टूस एंगल है, तो उस केस के अंदर ही जो अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट चला जाएगा, विपरीत डायरेक्शन, और ऐसे केस में वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव चला जाता है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सर लीडर बोर्ड देखते हैं, ठीक है बेटा आप जीवी सर के टीम में हो, अभी असद सर के टीम में आ जाओ थोड़ी देर के लिए, नेमो फास्ट दे रहा है, आप नेमो फास्ट दे रहा है सर, नेमो तो ऊपर है,
जावेद सर टीम, अच्छा इसका अभी डिफाइन नहीं है ना, डिफाइन कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डिफाइन करो, लेकिन टीम जावेद सर की चूज करनी है ना। जीवी सर आरबी टीम यहाँ पर है, हार्दिक मैथ्स आरबी टीम, हल्क सर फास्टेस्ट दिया है हल्क, और ये स्वप्निल एक सर एक मेरे टीम वाला कहां चला गया, जावेद सर टीम में, एक मेरे टीम में चला गया सर, टीम स्वप्निल जीवी ए तो सभी की टीम में, कोमल है सर, ईशान गोयल जावेद सर टीम, इसे बोला सर ग्रुप के अंदर, सेबेस्टियन जावेद सर टीम, फोन आया होगा आपके पास, रामस्वामी हमेशा जावेद सर टीम की में सर, वो कंफर्म है, फिक्स है सर, नेमो बोल दिया है जेवी सर आर्मी में, जेवी कौन है, जावेद सर, ओ द एंगल्स ऑफ पेंटागन इन डिग्री आर एक्स डिग्री, एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 60 और एक्स प्लस 80 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल, एंगल ऑफ पेंटागन इन डिग्री आर 20, 40, 60 बेटा इंटीरियर एंगल्स है, आपको लार्जेस्ट एंगल बताना है, तो सभी का सब निकाल लो बच्चे, लूफी बनाना आ गया हमारे टीम में, वेरी गुड लूफी, तो बी इज द राइट ऑप्शन, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, सम कितना होता है पेंटागन का, 540, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5x, और इन सबको अगर आप ऐड करोगे 20, 40, 60, 200 इज इक्वल टू 540, तो यहां से 5x की वैल्यू कितनी, n माइनस 2 इनटू 180 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा 340, x विल बी 68 डिग्री। अब आपसे x की वैल्यू नहीं पूछा गया था, इसलिए सर इसने c सबने मार्क कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पूछा गया था, रीड द क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, तो x इज 68 प्लस 80 व्हिच इज 148, तो आप लोगों ने जानबूझ के गलती की है, ये गलती बेटा एक्सेप्टेड नहीं है, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो, ठीक है, और सर इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इनकेस, बिल्कुल, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, बिल्कुल, कोई नहीं समृद्ध, कोई नहीं, ओके तो कुछ के सर टीम पे कुछ कमेंट कीजिए सर, टॉप थ्री की टीम पर, बिल्कुल टॉप थ्री की टीम पर, पीयूष अभी हम बता देते हैं, कमेंट जरूर करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, टॉप टीम में वो बचे हैं अगर यहाँ पर रहेंगे, इफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ, इफ एंगल ए इज 50 डिग्री, देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, हिमांशी वर्मा मैं एस एस सर की टीम में हूँ, थैंक यू हिमांशी सर, रीड कर लेना एक बार, हिमांशी वर्मा ने कहा सर मैं जीवी सर और जावेद सर की टीम में रहूंगी और हूँ आने वाली हूँ, अच्छा अच्छा, ओके हिमांशी गुड बच्चे है ना, आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है बहुत बढ़िया है, प्रेजेंट पे अभी थोड़ा सा मुझे मतलब डाउट है ना, डाउटफुल है, तो प्रेजेंट को भी आप चूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ, तो देखते हैं इसमें सर, नाइन्थ वालों के लिए टफ हो सकता है, लेकिन टेंथ वालों के लिए तो काफी इजी क्वेश्चन है, फिर भी मोस्ट ऑफ आपके सारे मतलब अरे सर फाइट करा रहे हैं ना आज, देखो बेटा इसका अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो किसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ होगा, ए बी सी इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल ओ पे मीट कर रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है सिंपली, एंगल बी ओ सी विल बी, आपने प्रूव भी किया होगा 90 माइनस ए बाय टू, आप एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहा हो, ए चीज आपके पास गिवन है, तो बस वही चीज 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी है सर, 50 बाय 2 इज 25, माइनस करोगे तो 65 इज द राइट आंसर, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता देन 90 प्लस ए बाय 2 होता, ठीक है गाइस, तो ए इज द राइट ऑप्शन, तो ये काफी पेटेंट क्वेश्चन है एनटीएससी का, इसलिए सर ये क्या हो रहा है, पीयूष बोल रहा कभी नेमो ने कॉल करके उसको बताया कि जावेद सर, अरे खेल रहे हैं सर बच्चे, हम लोग बोलता है कि वो नेमो ने बताया कि वसद सर की टीम में, वसद सर की टीम में होगा, अरे इधर देखते हैं सर, पीयूष उससे कंफर्म कर लो कि किसकी टीम में है ना, उसी के हिसाब से फिर हम जजमेंट करें थोड़ा सा, तो नेमो जीवी आर्मी मीन्स जीवी सर, हार्दिक मैथ्स टीम, डी ईशान, स्निदा, ओ हल कहाँ चला गया, अच्छा ये क्या है, स्वप्निल सेबेस्टियन एंड सृष्टि की एंट्री हुई है, वेरी गुड सृष्टि, बहुत अच्छे, टिल 1 पीएम तक ये प्ले करेगा, राव सर टेल मी व्हाट इज योर रैंक, ओके व्हाट इज योर रैंक नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर ना, टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 15, सर मैं सर को भेज देता हूं, बिल्कुल सर, चीज एंड बटर आर वेरी कॉमन डेयरी प्रोडक्ट, विच ऑफ देम इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग देम, डिस्पर्स फेस इज लिक्विड, दे आर जेल, डिस्पर्स फेस इज मीडियम इज सॉलिड, नन, यार ये तो कर सकता हूँ आप है ना, बिल्कुल, अभी
इतना टफ क्वेश्चन नहीं है और ऑप्शन टू दो ऑप्शन ऐसे रिमूव हो गया सर। अच्छा दो रिमूव हो गए, एक तो नन तो मुझे लग रहा नन जो होना चाहिए बोला बहुत इजी है, दो ऑप्शन रिमूव हो चुके हैं, चेंज तो नहीं होता सर। अच्छा तो बस वही आंसर हो गया, व्हिच ऑफ देम इज नॉट ट्रू पूछा। अच्छा नॉट ट्रू पूछा है क्या आपके अकॉर्डिंग, तो बी आंसर हो गया। जेल, जेल की डेफिनेशन क्या होती है सर, आप थोड़ी से मुझे बताइएगा एक बार, है ना। तो आंसर ही बता दूं फिर मैं आपको, नन ऑफ दीस, नन ऑफ दीस। जो चीज और बटर होते हैं ये कोलोइड्स होते हैं, और ये जिस कोलोइड्स के पार्ट होते हैं उसको जेल ही बोलते हैं, जिसका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम सॉरी इसमें जो हम जो जेलीज खाते हैं वो भी इसी में आता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है तो सर एक्सप्लेन कर दीजिए, वहीं चलकर एक एग्जाम्पल ले लीजिए सर, हमें भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ले रखे एग्जाम्पल से, ये चीज और बटर एग्जाम्पल से है कोलोइड्स के, किसके एग्जाम्पल दोनों एक जैसे लगते हैं, चीज और बटर कोलोइड्स के, बिल्कुल तो एक ही कैटेगरी में है, और ये कोलोइड्स की जेल कैटेगरी में आते हैं। Okay. जेल वो होते हैं जिसपे डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होता है। अगर जिसमें वो, जिसमें वो सस्पेंडेड है वो तो लिक्विड, जो जिसमें हो रहा है वो सॉलिड, जो हो रहा है वो लिक्विड। ओके ये सॉल्यूट है, दिस इज सॉल्यूट, इसको आप बेसिकली सॉल्यूट की तरह कंसीडर कर सकते हो, और इसको बेसिकली सॉल्वेंट की तरह कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको इसका और एग्जांपल देखना है इन दोनों के अलावा, तो आप जेलीज खाते हो ना, दैट इज आल्सो जेल, फ्रूट का पल्प उसको भी जेली मानते हैं। ओके चलिए क्लियर हो गया होगा। सो खेल हुआ है सर इसमें मेरे ख्याल से, हाँ सिर्फ 15 बच्चों का सही हुआ है। चलिए देखो तुम टीम बदलने की सोचते हो ना, इसलिए ऐसा हो जाता है, इसलिए केमिस्ट्री टीम में फिक्स हो जाओ। जावेद सर के, हाँ जावेद सर डूबा दिया था भी सबको, ऊपर चले गए, मरवा दिया उन्होंने। चलो नाउ सर, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके सो बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड की मोल्स निकाल लो, MgCl2। बिल्कुल फॉर्मूला तो जावेद सर ने इस बार एकदम करेक्ट बताया है, MgCl2 तो का आप निकाल लो, मैग्नीशियम क्लोरीन 17 34 34 34 तो असद सर जा रहे हैं बिल्कुल। असद सर का आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी 5 सेकंड बाद। अरे तो वो 95 हो रहा है सर, तो बिल्कुल एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो असद सर ए ऑप्शन के साथ और जावेद सर राघव से पहले पूछ लेता हूँ, राघव रिपीटेड तो नहीं है ना, रिपीटेड है। मैग्नीशियम क्लोराइड आपने बताया तो बिल्कुल सही बताया, MgCl2 उसका मॉलिक्यूलर फोर्स, इसका मोलर मास आ जाएगा 24 प्लस 71 दैट इज 95 95 तो हमने इसके मोल्स निकालेंगे तो मोल्स हो जाएंगे n इक्वल्स टू 95 सो 1 मोल आ गया है। ओके पर इसकी एटोमिसिटी कितनी है 3 सो दिस इज एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3Na बोल देंगे मतलब 3Na बोल दोगे तो आंसर हो जाएगा 8.06 into 10 to the power 20। देन जीवी आर्मी सेकंड पे, असद सर थोड़ा सा एक स्लाइड कर गए नीचे, थर्ड पे स्निग्धा स्वप्निल सेबेस्टियन ईशान जावेद सर थोड़ा और नीचे चले गए हैं, और मैथ्स आर्मी का बादशाह की एंट्री हो गई है केमिस्ट्री के दो अच्छे क्वेश्चन। समृद्धि सिंह भी बोल रहे हैं मैं भी केमिस्ट्री में, वेरी गुड समृद्धि शाबाश, आओगे तुम जो जो केमिस्ट्री में है सब लीडर बोर्ड पे आएंगे, देख लेना आप सब आएंगे सर, सब आ जाएंगे बिल्कुल सर, अगर टॉपर से ज्यादा हो गए तो चलिए वेरी गुड, 10 से ज्यादा क्या करोगे सर, लीडर बोर्ड बढ़ा देंगे हम, हम लीडर बोर्ड बढ़ा देंगे, बढ़ा दोगे बिल्कुल। Let's see. सर ये बच्चे हमारे दिल में रहते हैं, लीडर बोर्ड पर है नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इतनी बड़ी बात सर, बिल्कुल सर असद सर के साथ रहता हूँ थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। ओके पीयूष कह रहा है आप पढ़े, पीयूष का कमेंट बहुत देर से बोल ठीक है पढ़ दे सर, हाँ जावेद सर की टीम में सर। ओके ठीक है क्वेश्चन नंबर 17। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 केजी इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। ओके ऑब्जेक्ट का मास है 2 केजी, कोशिश की इसको रिपीटेड ना लगे उसकी पूरी आपके साथ, लेकिन राघव दूसरा सर
सब कुछ बयां करती है सर। तो गाइस क्वेश्चन के लिए आपके पास अभी भी 7 सेकंड शेष है, जल्दी से मार्क कर दो, 3, 2, 1 और टाइम्स अप। सर अगर 80% से ऊपर गया तो रिपीट है। लेट्स सी सर, 85% गलत गए हैं, 85% बच्चों ने गलत मार्क किया है या अपन से गलत हो गए? अपन से गलत हो गया, मेंटी से गलत हो गया। चेक कर लेते सर एक बार, अभी रुक जाइए, एक बार दिखा दे। अरे वही है 25 आएगा। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सो यहाँ पर ये हाफ है और मास की अगर आप बात करें तो 2 kg है और वी की बात करें स्पीड 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो ऑन सॉल्विंग इट विल बी इक्वल टू 25 जूल जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी आंसर होना चाहिए इसका। तो सब बी कर देते हैं ना, कर दे सर चेंज कर देते हैं। तो गाइस आपको केवल 10 सेकंड का वेट करना है, हम चेंज कर देते हैं ठीक है। असद सर करना रही है ठीक है, तो इसका आंसर बी कर देते हैं हम। ओके गाइस, सो हमने सो बी आंसर हो गया आपका, आंसर बी मार्क कर दिया बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नाउ द आंसर इज बी, नाउ द आंसर इज बी। ओके सो सर मैंने जैसा बोला था आपसे कि ये 85% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये रिपीटेड नहीं है ना, मैं इसको बता देता हूं रिपीटेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने वैल्यूज को चेंज किया था सर। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा हूं कि 3, 3, 6 और 2, 8 ये कौन है? अब ये तो सर हो सकता है ये केमिस्ट्री टीम होगा या फिर मैथ्स टीम हो सकता है सर, लेट्स सी किसमें होने वाला है सर। फिजिक्स टीम मेरा सर करेक्ट है। तो सर लीडर बोर्ड पे चले? यस सर, लीडर बोर्ड ही आएगा गाइस, आप देख रहे हो लीडर बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा ना। बिल्कुल हां, क्वेश्चन आएगा इसके बाद लीडर बोर्ड। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल वेरी गुड विवेक, बहुत अच्छा कर रहे हो यार। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डबल इट्स मोमेंटम विल बी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, मैं बोल रहा हूँ रिपीटेड है। अच्छा इसलिए रिपीटेड है, इसलिए रिपीटेड है ताकि आप 100% मार्क कर दो ना, 100% मार्क कर दो। फिजिक्स टीम वाले हैं ना, बिल्कुल अच्छा फिजिक्स टीम वाले 100% मार्क करें बस है, केमिस्ट्री टीम वाले भी करो यार है ना, मेरे लिए आप सब मेरे सब बराबर हो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे भी मेरी टीम सर है नहीं लेटा बोर्ड पे, तो मैं तो मतलब जो बाकी आप सभी कर दो, आप अपने बच्चों का साथ छोड़ रहे हो इतनी जल्दी, ऐसा नहीं करना सर। So guys, already 44 student answer mark कर दिया है। सर आप 5 सेकंड मुझे फटाफट ही बता दो, आपको क्या लगता है कितना परसेंट? सर आई थिंक मुझे लग रहा था 80% तो होगा, 80 से अबाउ, 80 से अबाउ, 70 से अबाउ जाएगा सर। ये 50 नहीं आएगा, 56% देगा यार, ये तो रिपीटेड था यार, फिर तो आराम से कर सकते थे। Energy को 2m into kinetic energy will be equal to p square. क्योंकि मोमेंटम की बात की गई है तो मोमेंटम को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। मोमेंटम विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 times ऑफ द मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 ठीक है फाइन। अब समझ लीजिएगा ना, कभी भी क्वेश्चन रिपीट हो तो उसके बाद आपका 100% आना चाहिए। अब हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को कर दिया है डबल, काइनेटिक एनर्जी इज डबल। ओके तो हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर डबल करना चाहते हैं, तो मोमेंटम कितना होगा P डैश, न्यू मोमेंटम विल बी इक्वल टू रूट 2m, काइनेटिक एनर्जी डबल है तो मैं यहाँ पर 2ke लिखने वाला हूँ और ये जो 2 होगा जब इस रूट से बाहर आने वाला है तो इट विल बिकम रूट 2, रूट 2 इंटू 2mke और ये जो 2mke है ना ये प्रीवियस वाला मोमेंटम होगा, सो P डैश डेट्स मीन द न्यू मोमेंटम विल बी इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि न्यू मोमेंटम रूट 2 times इंक्रीज हो जाएगा, सो इंक्रीजेस रूट 2 times, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सर क्या लग रहा है, अब तो लीडर बोर्ड आएगा ना, अब कौन आएगा लीडर बोर्ड में, कहां सर नेमो तो आज गजब कर रहा है बिल्कुल सर, नेमो सर टॉप पे ही नेमो कर क्या रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, हल्क की एंट्री ऊपर हल्क ऊपर चला गया सर, नेमो जीवी आर्मी डी मैथ्स आर्मी स्निग्धा कॉमन ईशान गोयल जावेद आर्मी सेबेस्टियन और मैथ्स आर्मी, बिल्कुल ओके गाइस, सो वेल डन, बहुत बढ़िया आप सभी कर रहे हो, मैरवलस मैथ्स थैंक यू सो मच, एक बार कमेंट पढ़ लेना सर, ओके मैरवलस मैथ्स पीयूष पलाश सुजल, ओके गाइस ये एक्सपेक्टेड आंसर हो उसका सर नेम सजेस्ट, ओके थोड़ा सा और एफर्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सा बस बहुत क्लोज हो, जल्दी से लीडर बोर्ड में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वापस से देखो नेमो के पास कॉल आ गया आदमी, वो बार बार आ रहा है वापस सर, एक क्या रॉन्ग नंबर लग रहा है सर, पीके देखे ना रॉन्ग नंबर, हाँ ये रॉन्ग नंबर है,
सो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन नाउ, लेट्स सी क्या होने वाला है। सो 4 टू द पावर 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63 प्लस 4 टू द पावर 64 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा? 3 से, 10 से, 13 से, 11 से? ओहो, 4 की पावर 4, 4 स्क्वायर 8, 4 की पावर 3, तो मतलब हमेशा इवन नंबर ही आता है। अब देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो मैथ्स वाले बताएंगे। वैसे तो आपका ऑप्शन था उसी के अकॉर्डिंग लाइट में आंसर बता दिए। क्या बता सर, क्या देखते हैं सर क्या होता है। लास्ट 5 सेकंड से देखने के लिए, लास्ट 5 सेकंड 3 2 1 टाइम्स अप। तो बी फॉर बिस्किट, बिल्कुल टेंस टू जो आंसर है इसका। वाले तो वोट ले लिए एक ही वोट था। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में इसका। तो अगर सर 4 की पावर 61 यहाँ से हम कॉमन आउट कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे 16, और यहाँ पे 64, सबको ऐड करेंगे। ना सर यहाँ से हमारे पास 5 का मल्टीपल आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और 5 2 10 बन जाएगा, इसलिए 10 से डिवाइड। और सब कुछ ऑब्वियस बात है, हमेशा इवन रहने वाला है, तो और से कभी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही इसमें इवेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे सर। बिल्कुल, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज। Zero of the polynomials are reciprocal of each other when the value of k is, k की value निकालनी है अगर zeros reciprocal है। इसमें बेटा reciprocal की condition use करनी है और आपको answer mark करना है। Do it fast guys। तो जल्दी से कर दो। तो टाइम्स अप गाइस, ए इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, मेजोरिटी तो सही गई। कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके पास है क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जीरोस तभी रेसिप्रोकल होता है व्हेन a इज इक्वल टू c। तो a की वैल्यू यहां पे कितना है बेटा? k स्क्वायर। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू c, इतने यहां पे कांस्टेंट टर्म है k प्लस 2। इसको इधर ले आओ तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बेटा इसका फैक्टर आएगा k माइनस 2 एंड k प्लस 1। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आएगी, यहाँ से 2, यहाँ से माइनस 1। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया k इज ग्रेटर देन 0, मीन्स k इज पॉजिटिव, इसलिए इसको नहीं लेना है। मीन्स माइनस 1 को आप नहीं मार्क करोगे, k इज इक्वल टू 2, विच इज ए ऑप्शन। ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए ओके। लीडर बोर्ड आएगा सर, बिल्कुल। तो हो सकता है कुछ चेंजेस दिखे लीडर बोर्ड पे सर, देखते हैं सर। मैं तो नहीं लग रहा है सर, सर हुआ है एक एक गलत हुए इन दोनों के, तो मतलब डी टॉप पे जाएगा, आ सकता है। बिल्कुल डी टॉप पे आ गया, और नेमो इज ऑन सेकंड पोजीशन, लेकिन ज्यादा मतलब दूर नहीं है नेमो सर, शुरू के चारों बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, बिल्कुल सर। देन स्वप्निल, वेरी गुड स्वप्निल, स्निधा सर 9th क्लास की बच्ची, अच्छा कर रही है। मैथ्स आर्मी का बादशाह, मतलब मैथ्स हल्क, ईशान एंड सेबेस्टियन। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा गाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड गाइस। तो अब चेंज हुआ लीडर बोर्ड, बहुत देर बाद, बहुत देर के बाद अपनी पोजीशन गेन कर ली, गेन कर ली। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन Cl2O। सर इसमें तो नहीं कुछ करके लेकर क्या हो, एक्सेप्शन कुछ बोलोगे नहीं। गाइस जल्दी से कर लो, उम्मीदें कर चुके होंगे। जल्दी के चक्कर में गलत मत करवा देना सर, नन ऑप्शन है, देख लेना भाई, कुछ एक्सेप्शन ही होगा, आंसर नहीं है, एक्सेप्शन ही होगा, निगेटिव तो होना चाहिए, तो एक ही निगेटिव है सर। ऐसे ही बाद में आप कहोगे अरे नहीं एक्सेप्शन केस है, और आगो बाटी हंस रहा है। इनकी क्या लेते हैं सर हम जनरली? माइनस 1। तो इसकी भी माइनस ले रहे हो, इसकी भी माइनस ले रहे हो, ओह तो फिर प्लस 2 लाओ। सर आपका आंसर सही था माइनस 2, क्योंकि क्लोरीन इसमें एक्सेप्शन केस में जाएगा, अच्छा क्लोरीन जाएगा तभी बी इज द राइट। मैंने इसके इजी रखा, मैंने ऑक्सीजन का पूछ लिया, क्लोरीन का नहीं पूछा। ठीक है चलो सर, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है सेशन का।
क्लोरीन की पूछी थी ना सर, तभी तो खेल होता। अच्छा चलिए ओके, सेशन में तो लिया ही है बेटा ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 22, आप सेशन अटेंड करोगे तो आपको फायदा ही होगा, बिल्कुल सर का हो, मेरा हो, कोई भी सेशन हो, आपको कुछ ना कुछ गेन होगा, ठीक है, फायदा होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? ओके, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। थोड़ी सी हेल्प कर दी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ CaOCl2? नॉट अ नेम ऑफ CaCl2, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सर ने बोला था कि क्या नाम राघव सर, वो कैल्शियम CaOCl2 वाला क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, वही इसी क्वेश्चन के बाद। नहीं, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर का ही था। अच्छा सर ने बहुत हेल्प कर दी वैसे तुम्हारे इस क्वेश्चन में। नहीं सर, नन भी इसलिए बस वरना तो हेल्प हो गई थी, पूरा खत्म था। नॉट अ नेम पूछा था, नॉट अ नेम। चलिए, सो आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। डी वो भी होता है क्या? आज फुल खेलेंगे इनके साथ सर, बता देंगे इनको। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, दिस इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, OCl2 इज हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, बिल्कुल क्लोराइड। तो आप अगर HOCl देखोगे तो उसको हाइपोक्लोरस एसिड के उधर भी जाते हैं हम, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इज आल्सो करेक्ट, सो नन इज द आंसर। तो सारे नेम सही हैं, सारे नेम सही हैं, जितना हमें आते थे उतना हमने बदल कर दिया था अब तो फिर ठीक है बेटा। सर मैं ये देखना चाह रहा था उसमें फिर भी सी किस किसने मार्क किया था, आपने बोल दिया था जब। तो सर आई थिंक सर सूजल जीवी सर बी सी ए हो गई जाने वाले नेमो, आई थिंक नेमो वापस आ गया है, नेमो GVRB, डी हार्दिक, स्वप्निल, स्निदा, हाँ वेरी गुड स्वप्निल, स्निदा, हल, ईशान, सुजल। तो सर वो जो मैथ्स के दो थे उसकी जगह केमिस्ट्री दो हो गए, सो आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, जिसके दो थे लीडर बोर्ड में वो नहीं। तो सर अभी तो आज आप ही के दिन है, आप ही जीत रहे हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिल्कुल चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देवेश पारा सर 13 प्लेस है, बहुत अच्छा, ओके बहुत अच्छा, वेरी गुड देवेश। और चलो एक मिनट के लिए हम थोड़ी सी देर के कुछ सेकंड के लिए स्कोर को देखते हैं। बोला कि केमिस्ट्री में आज सारे आंसर्स नन आ रहे हैं, अब बेटा आप नन मत मार करना। देख लो मुझे तो नहीं पता। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर केप्ट एट अ हाइट ऑफ h एंड 3h, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बेटा? सर आइए जाओ सर, गैर चिंतन में है मेरे ख्याल से। इक्वल मास हाइट तो इसी का है, परेशान है कि मेरे बच्चे कब नहीं आएंगे यार, भी कहां है, जल्दी जल्दी से आ जाइए। बच्चे बोल रहे हैं सर, हंस रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या, हंसने लायक बात है क्या? अरे ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, वही तो H3H। समृद्धि सिंह आंसर भी दे रही है। Yes guys, so, बहुत सिंपल सा बेटा, आपको यहाँ पे आंसर नहीं मार्क करना है, ठीक है, आप आंसर कर सकते हो, मतलब विदाउट इंक के भी आप मार्क कर सकते हो। तो टाइम्स अप गाइस, तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। MgH फॉर्मूला होता है, मास दोनों का सेम है, जी भी सेम रहेगा, डायरेक्टली हाइट पे डिपेंड करेगा, तो H/3H बनेगा, जैसे कि राघव ने बता दिया है, दोनों ही सेम है। 83% ने सही दिया है, अगर रिपीटेड है तो बेटा 90% तो आना चाहिए। हाँ यार है ना, मतलब रिपीटेड का तो ये क्राइटेरिया कम से कम। क्वेश्चन नंबर 24 रिपीटेड है, ये फर्स्ट टाइम है क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला रिपीटेड है ना, और सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, यही होता है, कुछ रिपीटेड से लग रहा है। Analytical appliances अपने used for 5 hours per day, energy consumed in 30 days will be। बिल्कुल सर, पहले वन डे की थी, पहले कुछ वो वन डे की पूछा गया था, आज 30 डेज है, ठीक है 30 डेज है पूछा गया, 30 था सर, एक महीने का था सर, अच्छा एक महीने का था, हां 30 डेज था सर, लेट्स सी देख लेते हैं। और आपने रेट भी देने के लिए 5 hours per day ये पहले 2 hours per day था, अच्छा देख लो अभी तो थोड़ी। तो गाइस मतलब क्वेश्चन आपके लिए वही है जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप पे कर रही है, अब आप जल्दी से लीडर बोर्ड पर जाओ ना फिजिक्स आर्मी के साथ। तो 500 into 5 into 2500 into, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस बार तो ऑप्शन बी को सर 29%, यहाँ तो MgH फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो MgH1 अपॉन MgH2 कर दो, तो पहली हाइट तो H है, दूसरी हाइट 3H है, एमजी से एमजी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 1:3 आने वाला है। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सर अगर हम यहाँ पर बात करें, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी के लिए हम यूज करेंगे पावर इनटू टाइम। अब पावर आपको गिवन है वोट में, टाइम आपको गिवन है आर, निकाल लेते हैं तो 500 एनर्जी विल बी इक्वल टू 500 वोट इनटू टाइम आपको गिवन है 5 आर पर डे, कौन सॉल्व इट विल बी बिकम 2500 वोट आर, ये वोट आर
वन डे का है, आप जो 30 डेज की बात की गई है उसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 75 into 30 into 100 पे तुम्हारी मन की आंखें आज बहुत काम कर रही हैं। लीडर बोर्ड सर, बिल्कुल सर, सर लीडर बोर्ड में सर न्यू एंट्री नहीं हो रही सर। हाँ बहुत देर से नहीं हो रही सर, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं न्यू एंट्री की, तो नेमो एंड डी फर्स्ट सेकंड पे, देन जीवी सर आर्मी, देन हार्दिक मैस आर्मी, वेरी गुड, स्वप्निल इसनिदा हर्ग ईशान सेबेस्टियन एंड सुजल जीवी सर आर्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हेलो हेलो हर्षित, क्वेश्चन नंबर 25। हेलो जतिनोनी राघव सुजल, If AB are the zeros of polynomial x square minus p times of x plus 1 minus k such that a plus 1 and b plus 1 is equal to 6, then the value of k is 5 minus 1 minus 3 minus 4. Question कोई चीज नहीं करना बेटा, सब कुछ सही कर दिया गया है, क्यों सर? बिल्कुल सब corrected है, already हमने सारे जो आपके error थी mentee के अंदर वो error को हमने rectify कर दिया है, सब कुछ बिल्कुल एकदम correct चल रहा है, ठीक है। So hello Javerian and Tabassum, good afternoon बच्चे। तो सर क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के बारे में? आपके पास अभी भी 8 सेकंड रिमेनिंग है, इसमें जीरोस गिवन है, तो बस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का खेल है। कर दो यार, क्या जीरो पुट कर दो, ये करता हूं मैं चाचा, जीरो पुट कर दो, तो क्या हो गया, खेल हो गया सर, या तो क्या ओनली 11 का करेक्ट आया, देख लेते हैं एक बार, चेंज तो नहीं करना है। देखो बेटा अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहां से आ जाएगा ए बी, ए प्लस बी और 1 इंटू 1 इज 1 को इधर ले गया तो 5 ए बी। यहाँ से सर अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स देन माइनस पी और माइनस के, तो बेटा ए की वैल्यू 1 है, बी इज माइनस पी एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस पी माइनस के। ए बी इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो रूट्स विच इज माइनस विच इज सी बाई ए मीन्स माइनस पी माइनस के, ए प्लस बी इज सम सम इज माइनस बी बाई ए तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा पी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से सर कैंसिल, तो माइनस के इज इक्वल टू 5 देन के इज माइनस 5, तो सही था सर, डी ऑप्शन था ना, डी था ना, तो डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो के इज माइनस 5, बिल्कुल हार्दिक ने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। If one root is 3 plus root 5, then the quadratic equation will be. अगर आपको एक root दे दिया, क्या है? Put कर दो root यार, उससे हो सकता है ना सर, root put करते हैं। अरे root put करेंगे तो सर जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। बेटा यहाँ पे sum product से आप verify कर सकते हो, वैसे question easy आप कर सकते हो 40 सेकंड में। B square minus. वैसे आप इसको 10 सेकंड में भी कर सकते थे। B square minus पूरे से कर दो, उससे आ जाएगा root 5 आना चाहिए। ऐसा नहीं जरूरी सर, बहुत में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों में से कोई ही पुट करके देखना पड़ेगा। एंड टाइम्स अप गाइस, सुजल ही बोल रहा सर आज, तो रिपीटेड राघव बोले तो चलो बात सुन बात लिए, सुजल ने बोल दिया, क्या कहना है इसका मतलब सर? सर वो 3 प्लस रूट 2 था, यहाँ 3 प्लस रूट 5 मैंने चेंज किया, ऐसा नहीं होगा सर, अरे सर ऐसे ही किया। देखो बेटा हमेशा जो इरेशनल जीरोस होते हैं या इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं अल्फा को 3 प्लस रूट 5 तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस रूट 5। तो यहाँ से बेटा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 5 इज 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो, विच इज सी ऑप्शन। ओके बच्चे फाइन, सो चलिए देखते हैं अब लीडरबोर्ड में क्या रहने वाला है। और सर यहाँ पे मतलब ही तो डी, बहुत लोगों से गलती हो गई क्या इस बार, क्या हुआ? तो डी टॉप पे फिर से आ गया, वेरी गुड डी, लग रहा है मैथ्स आर्मी में है। नेमो
जीवी आर्मी, देन हार्दिक, स्वप्निल, हाल, सेबेस्टियन, स्निदा, सुजल एंड मैस आर्मी की फिर से एंट्री हो गई। वेरी गुड गाइस, सारे इनकोडेड हो रहे हैं। अभी अभी होंगे सर, बस होने वाले हैं, बच्चे अभी खेल रहे हैं अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 27। सो गाइस क्वेश्चन नंबर, सर हम पहले बच्चों बता देंगे, हमारे पास 30 क्वेश्चन ही होंगे। हां ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ओनली 30 क्वेश्चंस हैं। आप 30 क्वेश्चन पर ही अपने नेम चेंज कर लेना, अगर आप वेट करोगे 31 का आएगा तो हम नेम चेंज करेंगे। थोड़ा आप मतलब 30 क्वेश्चंस ही नेम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड ग्रुप ऑफ द मोर। बिल्कुल, लास्ट 4 क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, ठीक है। नेम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप बिल्कुल हेलिना की तरफ से फरियाद बेटा बन गए कार्ड स्कूटर बाप, मतलब वो अलग-अलग ट्रिक्स है सर, आप मरवा मत देना इनको। ग्रुप की बात की गई ना, वो लगता ग्रुप ही होते हैं। बिल्कुल सर, अरे बीच के बोल रहे हैं बच्चे। बेटा कल पूछा था पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट, आप भी थे, थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट पूछा था। कब से पहले का पीरियड हो, तो क्वेश्चन ही कल बना था पहली बार। ऑप्शन नंबर बी सर। बिल्कुल, इस बार जावेद सर बिल्कुल सही है, बेरिलियम के साथ याद है। चलिए अगला सवाल, दिया फिर भी सोच लो, गूगल पे जाओ सर्च कर लो, बुक में खोल लो, गूगल पे कर लो, फोन कर लो, फोन अ फ्रेंड कर लो, और क्या वैसे पर बताऊं रिपीटेड पर मुझे लग नहीं रहा कि 80% ज्यादा सही जाएगा। जिप्सम है ना सर। बिल्कुल, मजा आता है 90 क्रॉस हो जाए तो। बेटा याद रख लो CSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता ही है, CSO4 2H2O होता है। सो आई थिंक डी से फिर ऊपर निकलने वाला है नेमो। सर जीवी भी आएगा। जैसा कि अभी जावेद सर ने क्लियर किया, अब सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 31 क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ 30 ही है। और हल्का तो नीचे बोल गया बच्चे, थोड़ा ऊपर आ जाए यार ना। सो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट 2 फिल्म्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे हमें लीडर बोर्ड मिल जाएगा। ओके सो गाइस लेट्स सी। पोटेंशियल एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर कांस्टेंट और डायमेंशनल है। सर इसके लिए अपन ने लास्ट क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से 20 सेकंड देने चाहिए थे इसके लिए। मतलब जो मेरे भी थे लास्ट के, जो मेरे भी लास्ट के क्वेश्चन थे। पोटेंशियल एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जल्दी से बता दो यार, ऑप्शन नहीं मिला सर, क्या बनाओगे, क्या बनाओ? और फिर मुझे मतलब 2 ऑप्शन तो ऐसे बनाने पड़े, इसमें सोच समझ के बनाने कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट है, कुछ तो बनाए, क्या करें? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सर बोथ भी बना सकते थे, बोथ बोथ तो सर फिर वो हमारे बच्चे का बोथ चले जाता सर, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब गलती करे, जिस टीम बैक में चली जाए। ओके So, बेटा आंसर ए और बी में से है ये तो जावेद सर ने बहुत क्लियर कह दिया कि 2 ऑप्शन ऐसे ही बनाने पड़े, तो शुरू के 2 ऑप्शन आंसर में थे, तो ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, हीट एनर्जी हो, थर्मोडायनामिक एनर्जी हो, जियोथर्मल हो, पोटेंशियल हो, न्यूक्लियर हो, कोई सी एनर्जी हो यार, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सभी सभी स्केलर क्वांटिटीज होती है, सारी एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज है बेटा। बेटा तो ये लास्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल है और इसके बाद आने वाला लीडर बोर्ड लास्ट लीडर बोर्ड होगा। हाँ ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नहीं है बच्चे ना, ओनली 30 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आने वाला लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड 31 के बाद ही आएगा सर। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है आई थिंक। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg रेज टू अ हाइट ऑफ 10 m, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट पर है। अच्छा सर आप भी आ जाओ, एक्चुअली फाइट बहुत ही यू नो टफ है, क्लोज है। नेमो कम ऑन यार, केमिस्ट्री टीम है ना, याद रखना नेमो। कृष्णा गुप्ता,
भव्य गोयल ए बेटा यहाँ पे जीवी सर आर्मी यस पीयूष बिल्कुल बच्चों को टॉनिक देते हो मतलब सारे आपकी टीम में सर प्यार है बच्चों और कुछ नहीं सबके लिए प्यार है यार प्यार तो हम भी करते हैं सबके लिए 500 जूल इसका करेक्ट आंसर सर और यहाँ पर ये अगर आप देखो 90% है वो 92% तो अंत तो बहुत शानदार किया है तुमने MGH आपको अप्लाई करना था MGH वाले GK वाले SC वाले ओके स्निग्धा सिंह आपकी टीम में आ गई सर तो मजेदार होने वाला है सो क्वेश्चन 31 आपका ब्लैंक आएगा क्या आएगा सीधा लीडर बोर्ड आएगा सर 30 के बाद लीडर बोर्ड है फाइनल लीडर बोर्ड है और आई थिंक सर ये फाइनल लीडर बोर्ड है ओके एज इट इज रहेगा लीडर बोर्ड एक बार हम कर देते ताकि वो सामने पीयूष ओलिंडर ने और उसने अभी अभी पीयूष ने बोला है जीवी सर आर्मी अभी बोला है सबके सामने कोई गलत नहीं बोल रहा हूं मैं दो सीट खेल रहा है तो एक को तो हटाना पड़ेगा नहीं नहीं ये पीयूष का है यार दिस इज नॉट पीयूष नहीं सर अरे ये कौन है जीवी आर्मी ये अपना नेम बता दो पीयूष ही है पीपी ठीक है उसके बाद हमारे पास हार्दिक है देन स्वप्निल देन सात्विक देन सूजल अगेन जीवी देन मैथ्स स्निग्धा सिंह हल्के रहा एक बार लास्ट करके देखे ताकि वो विनर की तरह निकल के आ जाए बस तो उसके बाद लीडरबोर्ड नहीं है मुझे एक बार वो सही कर देते हैं इसको नहीं सर ऐसा नहीं है पीयूष सर बार बार बता रहा है सर पीयूष नहीं है सर वो पीपीएच कौन है खुद ही पूछ रहा है पीयूष नहीं है वही कह रहा हूँ पीयूष किसकी टीम में ये भी बता दो प्लीज बेटा जल्दी से बता दो मैं लिख दूं पीयूष सोच समझ के बता रहा बच्चे ना जल्दी से बता दो बेटा पीयूष मैंने पहले उठा लिया टीम में सर एबी नहीं नहीं पीयूष ये देखो डी कौन है डी तो सर अच्छा डी तो डी आई एम डी कृष्णा गुप्ता डी है सर किस टीम में बेटा कृष्णा अच्छा सर खेल रहे हो आज सुबह बेटा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी चेंज कर दिए राघव सारे चेंजेस ऑलरेडी कर दिए आज बैक हैंड से चेंजेस कर लाइन पे ही क्वेश्चन चेंज हो गया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको पता लगा होगा आपने देखा होगा बीच में यूट्यूब पॉज हो गया होगा तो यूट्यूब पॉज पीयूष को आपने डरा दिया है तो उसने नो डिस्क्रिमिनेशन अपना लिया पीयूष कॉमन है डी कॉमन है पर थर्ड पे जीवी आर्मी है आप ये मानते हैं फोर्थ पे सर फोर्थ पे तो ऊपर में बिल्कुल यहाँ पे कैंसिल फिर यहाँ पर मैं एक और फिर यहाँ पे मैथ्स आर्मी और आप हर बार मुझसे नीचे हो सर तो लेकिन सर जावेद सर के बारे में क्या कहेंगे इनसे भी तो जावेद सर आप कैसा कैसा लग रहा है आपको जावेद सर लिसन जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है वो सब हमारी टीम सब सब मेरी टीम गाइस नाउ द वार इज ओवर नाउ द पीस मेकिंग इज स्टार्टेड चूज कर सकते हो वो आपकी मतलब आप चूज कर सकते हो टीचर को आप ऐसा सोचते होंगे बट मेरे लिए सर सभी स्टूडेंट सर हम भी नहीं सोचते जावेद सर ऐसा बिल्कुल मत सोचिए वी ऑल आर इन द सेम टीम राइट बराबर है और आप सभी बिल्कुल हम सबके दिल में रहते हो बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल है ना गाइस देखो सर हार्दिक केयर बोल रहा है नाम में मैथ लेकिन दिल में तो फिजिक्स है इसकी केमिस्ट्री खत्म करनी पड़ेगी इसकी केमिस्ट्री खत्म करनी पड़ेगी चलिए सर तो गाइस वेरी गुड वेरी वेल प्लेड सो मिलते हैं नेक्स्ट मेंटी में टिल देन टेक केयर बाय बाय चार डिपेंड हो जाए